हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी टेक्निक्स 2 में। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में, एनएसपी पोर्टल। जी हां दोस्तों, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं नेशनल स्कॉलरशिप में क्लास फर्स्ट से लेकर 10 तक, हम आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके लगेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंस्टीट्यूट में जमा होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये रेड सर्किल में बेल आइकन का बटन दिखा, इसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं लेकर चलता हूं आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है, जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं, और उसमें टाइप करना है एनएसपी पोर्टल। जैसे ही आप एनएसपी पोर्टल टाइप करेंगे, यहां पर आपको एक लिंक नजर आएगा scholarship.gov.in, इस पर आपने क्लिक कर लेना है तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। तो अब आपको क्या करना है, आपको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम और मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर देखिए, प्री मैट्रिक में आपको इसकी डेट्स दिखाई दी हैं, कब तक हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं, कब तक इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन कर सकता है और कब तक स्कीम क्लोज होगी। उसके बाद में आपको FAQ का ऑप्शन मिलेगा, FAQ इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखिए, जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ कैन आई अप्लाई फॉर ऑनलाइन स्कॉलरशिप, सारी चीज़ें दी हुई हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड टू बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल व्हाइल अप्लाइंग ऑफ स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट का फोटो, दूसरा वेरिफिकेशन फॉर्म टू बी प्रोवाइड बाय द इंस्टीट्यूशन, यानी इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन फॉर्म। इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन फॉर्म आपको अपलोड नहीं करना है, लेकिन इंस्टीट्यूट में जमा होगा, आपके बच्चे के स्कूल में जमा हो सकता है। आप इसके बारे में इंस्टीट्यूट जाकर, स्कूल जाकर पता कर सकते हैं। और अगर ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारे पोर्टल पर से कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस वेबसाइट पर जाकर आप इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में हम नीचे अगले स्टेप पर जाएंगे, तो यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, ये भी दोस्तों अपलोड नहीं होने वाला है, लेकिन हो सकता है आपको इंस्टीट्यूट में जमा करना पड़े। उसके बाद में सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो दोस्तों ये वाला फॉर्म भी आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट पर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, www.hinditechnics.com पर जाकर आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी प्री मैट्रिक फॉर्म में अपलोड नहीं होता है, लेकिन अगर इंस्टीट्यूट में आपको जमा करना पड़े तो आप उनसे पूछ सकते हैं और ये आपको जमा करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगला स्टेप है यहाँ पर मार्कशीट, दोस्तों आपको मार्कशीट चाहिए, स्कूल में जमा करनी होती है, लेकिन जो पोर्टल है उस पर अपलोड नहीं होती, उस पर सिर्फ परसेंटेज लिखी जाती है, लेकिन मार्कशीट की फोटोकॉपी आपको स्कूल में जमा करनी होगी और मार्क्स आपके 50% से अबव होने चाहिए। इसके अलावा फीस की रसीद, पूरी साल की कितनी फीस है वो रसीद आपको यहाँ पर लगानी होती है, लेकिन सिर्फ एंट्री करनी होती है, अपलोड नहीं होती है। अगला चीज़ है यहाँ पर बैंक अकाउंट, जिसमें भी आपकी स्कॉलरशिप आती है। उसके बाद में है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अपलोड नहीं होता है, लेकिन कुछ स्कूलों में मांगा जाता है, तो आप अपने स्कूल में पता कर सकते हैं। इसके अलावा आधार कार्ड चाहिए, जो 100% लगेगा, और अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो आप जो है यहाँ पर बैंक की पासबुक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखिए, अगर इफ स्कूल इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन अ स्टेट डिफरेंट फ्रॉम डोमिसाइल स्टेट सो एप्लीकेंट देन बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर स्कूल से एक बोनाफाइड आता है, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो स्कूल वाले इस चीज़ को प्रूफ करके देते हैं। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको पता चल गया, लेकिन अपलोड कुछ भी नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी अपलोड नहीं होगा, ना फोटो कुछ भी अपलोड नहीं होगा, लेकिन आपको स्टेपलर करके फॉर्म के प्रिंटआउट के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपको देनी पड़ती है। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने स्कूल में पूछ सकते हैं, कुछ स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और मार्कशीट और फीस स्लिप, इन चार चीजों से फॉर्म भरा देते हैं, तो आप अपने इंस्टीट्यूट में पता कर लें। और अगर वेरिफिकेशन फॉर्म भी लग रहा है और माइनॉरिटी डिक्लेरेशन भी लग रहा है तो आप हमारे वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करके आप भर के उनको दे सकते हैं। तो दोनों कंडीशन हो सकती है, कुछ स्कूल मैंने ऐसे भी देखे हैं जो सिर्फ इन्हीं चार चीजों पर कर देते हैं, कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिनको सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो दोस्तों ये बात थी पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इसके अलावा हमारे जो और वीडियोस हैं, अगर पोस्ट मैट्रिक के बारे में आपको पता करना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो, उसमें जाइएगा। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं नेशनल स्कॉलरशिप की जहां आपको परेशानी आ रही है, फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट आईडी, चेंज मोबाइल नंबर, सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करिए जो हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक था, मैं उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।